जो पावर सप्लाई है इसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे कनेक्ट करनी है। ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया हमारा, ये नेगेटिव पॉइंट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, हमने जो जोकी है हमारी, जोकी यहाँ पे कनेक्ट करनी है, ठीक है जी। जोकी के बाद हमने क्या करना है, ये स्टैंडर्ड सेल का जो पोर्शन है, स्टैंडर्ड सेल, इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड सेल, गल्वो में देना है एक पॉइंट में, ठीक है सर। और ये हमारी जोकी है, ये नेगेटिव की तरफ से हमने स्लाइड करके देखना है कि हमारा बैलेंस गैल्वेनोमीटर में कहाँ आ रहा है, ठीक है जी। ये हमारा फर्स्ट इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इसका मतलब बैलेंस हमारा यहाँ पे कहीं भी मिलने वाला है। ये हमारा यहाँ पे बैलेंस पॉइंट मिल गया गैल्वेनोमीटर के अंदर, और ये है 489, 1 2 3 4, और ये हो गया हमारा 490 हो गया हमारा, ठीक है जी। ये हमारा L1 हो गया, बेसिकली ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर होगी कि हमारा L1 कितना आया, इस L1 के अगेंस्ट ही हमारी सारी रीडिंग आएंगे आगे, ठीक है जी। उसके बाद हमने करना है कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर। कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर में हमने क्या करना है, जो हमारी ये सप्लाई है वोल्टेज, वो यहाँ कनेक्ट करनी है, और वोल्टेज हमने सेट कर लेनी है कहीं भी, जैसे 0.5 कर लिया सपोज, हमने कहीं भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो पॉइंट है ग्राउंड वाला, ये ग्राउंड से कनेक्ट करना है नेगेटिव, इसका L1 हमारा वही रहेगा। उसके बाद हमने L2 निकालना है, ठीक है सर। तो ये उसी हिसाब से जैसे पहले हमने इसको किया है वैसे ही करना है, ये हमने बैलेंस देखना है कहाँ आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो बैलेंस है ये आ गया यहाँ पे, ठीक है सर। ये बैलेंस L2 आ गया, ये आ गया हमारा 250 आ गया, ये 50 है, ठीक है सर। ये L2 आ गया हमारा, इस L1 और L2 के अगेंस्ट ही हमने कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर दिखानी है मुझे। जैसे ये दे रखी है कि L1 हमारा कितना आया, L2 कितना आया, L1/L2 और V1/V2। V1 हमारी जो है स्टैंड सेल की वोल्टेज होगी, और L1 हमारी जो हमने L1 स्टैंड सेल के अगेंस्ट वो लिया था, तो ये हमारी V2 आ जाएगी। V2 हमें इससे कंपेयर करनी कि जो V2 हमारी ये आ रही है वो ये आनी चाहिए मतलब। उसके बाद हम डिफरेंट रीडिंग ले सकते हैं इस पर, मतलब बैलेंस L1 वही रहेगा, L2 अलग अलग आता रहेगा फिर उसके ऊपर, ठीक है जी। ये होगी हमारी कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर।